सो गाइजर आप लोगों का स्वागत है एक गेम वर्ल्ड के एक और न्यू वीडियो में। और हम सब लोग गाइजर यहाँ पे बैठे हुए हैं स्कैरी टीचर के क्लासरूम में। और यार यहाँ पे हम सब लोग यार इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही कि हम लोग ने एग्जाम दिया था। और गाइजर यहाँ पे रिजल्ट अब सुनाने वाली स्कैरी टीचर, मतलब हाँ टीचर हम सबको रिजल्ट सुनाने वाली है। और जो बच्चा गाइजर रिजल्ट में पास हो जाएगा वो गाइजर दूसरी क्लास में चला जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग स्कैरी टीचर से पढ़ना नहीं पड़ेगा। और जो बच्चा फेल हो जाएगा दोबारा से स्कैरी टीचर ही के साथ पढ़ेगा। मैं तो नहीं चाहता कि मैं फेल हूँ दोस्तों, मैं पढ़ने में बहुत ही कमजोर हूँ, बट मैं स्कैरी टीचर के क्लास दोबारा से नहीं पढ़ना चाहता। मुझे गाइजर पास होके दूसरे क्लास में जाना है। चुप हो जाओ तुम सब लोग, बहुत हल्ला करते हो, सबको फेल कर दूंगी। ऐसे भी आज तो तुम्हारा रिजल्ट है, देखते हैं कौन बच्चा फेल होता है और कौन बच्चा पास होता है। मैं तुम लोग की पेपर चेकिंग की हूँ, इसीलिए सोच लो मैं किसको पास करूंगी और किसको फेल करूंगी। अरे टीचर ऐसा बोल के डराइए मत, ऐसे ही हम लोग बहुत डरे हुए हैं, अगर आप ऐसा बोल के और डरा दीजिएगा तो हम लोग मर ही जाएंगे। फ्रैंकलिन, मुझे तो डर ही है कि तुम फेल ना हो जाओ, क्यों स्पाइडरमैन? आइला हाँ सर जी, आपने सही कहा, फ्रैंकलिन तो पढ़ता लिखता भी नहीं है और कॉपी में पता नहीं क्या लिख करके आया होगा, ये तो पक्का फेल है। तुम सब लोग कितने भी बातें कर लो, लेकिन यहाँ का टॉपर तो मैं ही रहूंगा, कैप्टन अमेरिका। देख लेना ये एग्जाम में टॉप तो सिर्फ मैं ही करूंगा। चलो अब मैं रिजल्ट सुनाने वाली हूँ। सबसे पहला रिजल्ट है फ्रैंकलिन का। क्या सबसे पहले मेरा रिजल्ट आ गया? ओके मैम बताइए, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए कि मैं पास हुआ कि फेल हुआ। फ्रैंकलिन तुम फेल होते हो और फिर तुम अब से यही क्लास में ही पढ़ोगे दोबारा से। ये क्या दोस्तों, भाई स्कैरी टीचर ने मुझे फेल कर दिया। ओह नो, मैं ये नहीं सोचा था कि मैं फेल हो जाऊंगा। गाइज अब मुझे दोबारा से स्कैरी टीचर का ही क्लास को रिपीट करना पड़ेगा। आइले दोस्तों, मुझे तो पहले से ही पता था कि फ्रैंकलिन फेल होने वाला है। अब दूसरे का रिजल्ट मैं अनाउंस करने वाली हूँ, और दूसरा स्टूडेंट है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन तुम भी फेल करते हो। आइला ये क्या, मैं फेल हो गया? ये कैसे? बड़ा आया था मुझे चिढ़ाने वाला, खुद भी फेल हो गया स्पाइडरमैन। अब बोल गाइस मुझे चिढ़ा रहा था, ये बोल रहा था कि मैं तो फेल ही होऊंगा। स्पाइडरमैन तू कैसे फेल हो गया, तू तो बहुत पढ़ लिख रहा था। बोल रात दिन एक करके पढ़ाई कर रहा था दोस्तों स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन भी फेल हो गया। लेकिन स्पाइडरमैन, बोला करता था ना मैं कि पढ़ लो, लेकिन तुम्हें तो गेम ही खेलना था, मुझसे सीखो। मैं दिन रात पढ़ाई करता रहता था, लेकिन स्पाइडरमैन तुम्हें क्या पता, तुम तो सिर्फ यहाँ पे खेल कूद में ही मगन रहते थे, पढ़ते लिखते घंटा थे, सिर्फ फोन चलाते रहते थे। देखना मेरा कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मैं सुनाने वाली हूँ टोनी स्टार्क आयरन मैन का रिजल्ट। आयरन मैन तुम भी फेल होते हो। क्या मैं फेल हो गया? ये कैसे, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ? आयला सर जी क्या बोल रहे थे, क्या पढ़ते लिखते बहुत ज्यादा है? बोलिए क्या बोल रहे थे? आप भी तो फेल ही हो गए मेरी तरह। अब बताइए कौन ज्यादा पढ़ रहा था, कौन ज्यादा लिख रहा था? बोलिए। ये कैसे, मैं कैसे फेल हो गया? मैं तो एग्जाम अच्छे से लिख के आया था। उड़ी बाबा, डॉक्टर स्ट्रेंज हूँ मैं, डॉक्टर, मैं तो कभी फेल नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत पढ़ता लिखता हूँ। हल्क फेल नहीं होगा क्योंकि हल्क ने पेपर में बर्गर डाल दिया था। अब मैं दूसरे बच्चे लोग का रिजल्ट बताती हूँ, डॉक्टर स्ट्रेंज और हल्क। डॉक्टर स्ट्रेंज तुम भी यहाँ पे फेल होते हो। उड़ी बाबा मैं फेल हो गया। और हल्क तुम एग्जाम के पेपर में कुछ लिखते नहीं हो, ऊपर से बर्गर डाल के ले आते हो, तुम तो फेल ही हो। ये क्या, मैं फेल हो गया? ओह नो। क्या हल्क, मतलब कि कम से कम अगर लिखना नहीं आ रहा था तो एग्जाम के पेपर में भाई यहाँ पे 100 रुपए डाल देते तो शायद पास भी हो जाते। ये बर्गर कौन डालता है भाई? देखो यार हल्क को देखो, पेपर के बीच बर्गर डाल के देखा है, रिश्वत की जगह बर्गर दे के आया है पगला हल्क। पता नहीं बर्गर के अलावा कुछ सोचता नहीं है इसे। ये सब लोग तो फेल हो चुके हैं, लेकिन देखना दोस्तों कैप्टन अमेरिका टॉप करेगा, मतलब 100 में 100 मार्क्स लेके आएगा। और आखिरी बच्चे का रिजल्ट है कैप्टन अमेरिका, और तुम भी फेल होते हो। ये क्या, मैं कैसे फेल हो गया? टीचर जरूर कोई गलती है, मैं फेल नहीं हो सकता, मैं तो यहाँ का टॉपर बच्चा हूँ। अरे हम सब लोग फेल हो गए तो पास कौन हुआ है? ऐसा नहीं हो सकता टीचर, हम सब लोग फेल नहीं हो सकते। अरे हाँ टीचर, हम सब लोग फेल हो ही नहीं सकते, और खास करके कैप्टन अमेरिका, वो तो बहुत पढ़ता लिखता है, वो कैसे फेल हो सकता है? अरे पिछले हर साल से टॉप करता आ रहा है, आपके क्लास में कैसे फेल कर जाएगा? नहीं टीचर जरूर कोई गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ तो है, मैंने तुम सारे बच्चे लोग को जानबूझ करके फेल कर दिया है, और मेरे साथ प्रैंक करो और मुझे तंग करो, इसीलिए मैंने सबको फेल कर दिया। फिर से तुम 1 साल मेरी क्लास में रहोगे। अब कैसा लगेगा पढ़ के मेरी क्लास में, मजा आएगा ना? अब मैं जा रही हूँ, दोबारा से मेरी क्लास में तुम लोग पढ़ना। मैंने इन सबको फेल कर दिया।
गाइस, ओह नो भाई, यहाँ पे तो बहुत ही गलत हुआ है। क्यों अवेंजर्स, क्यों आयरन मैन, क्यों स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, टीचर ने हम सबको जानबूझ के फेल कर दिया है। हम लोग एग्जाम में सही से लिख करके आए थे तब भी उसने फेल कर दिया है, ये तो बहुत गलत बात है। हाँ फ्रैंकलिन, ये तो बहुत गलत बात है, टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम सब लोग को यहाँ पे विरोध करना पड़ेगा, टीचर को सबक सिखाना है। अरे हाँ फ्रैंकलिन, हमें टीचर को सबक सिखाना पड़ेगा कि आइंदा टीचर कभी भी कोई भी बच्चे लोग के साथ ऐसा ना करे, जानबूझ के फेल ना करे। हाँ फ्रैंकलिन, हमें टीचर को अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा, उसने जानबूझ के हमें फेल किया है। हाँ गाइजर, हम सबको जानबूझ के फेल किया है, क्यों दोस्तों, ये तो गलत बात है ना। तो क्यों दोस्तों, टीचर को सबक सिखाया जाए। मुझे पता है दोस्तों, आप लोग भी अपने टीचर से बहुत परेशान होंगे, लेकिन क्या करो, आप लोग तो अपने टीचर को भाई यहाँ पे तंग नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग गाइजर टीचर के साथ प्रैंक कर सकते हैं। तो चलो तो गाइजर टीचर के पास जाते हैं और टीचर को परेशान करते हैं, प्रैंक करते हैं, क्योंकि टीचर ने हम सबको फेल किया, तब टीचर को समझ में आएगा कि हम सबको फेल नहीं करना चाहिए था। ओके तो गाइजर ये देखो, यहाँ पे टीचर ना पेंटिंग कर रही है, हमें फेल करने के बाद यहाँ पे टीचर आराम से पेंटिंग कर रही है। और यार यहाँ पे ना पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है स्कूल में। अब यार चलो एक काम करते हैं, टीचर का ना सारा पेंटिंग का सेंटिंग सब एक साथ निकाल लेते हैं। मतलब ये सोच रही है अपने आप को बहुत ही बड़ा मोनालिसा के पेंटिंग बना दी इसने, लेकिन गाइजर इसे नहीं पता कि हम लोग गाइजर टीचर के साथ करने क्या वाले हैं। तो चलो तो गाइजर सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं टीचर की पेंटिंग कैसी है, लेट्स गो। यार चलो, पेंटिंग है गाइजर पीछे वाले स्विमिंग पूल के पास। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे और वहां पर जाने के बाद सबसे पहले देखेंगे कि टीचर ने कैसी पेंटिंग बनाई है। और ये क्या स्टेपलर, ओके इसे रख लेते हैं, क्या पता हमें गाइजर इसे पेंटिंग को बिगाड़ने का कोई ना कोई काम आ जाएगा। तो लेट्स गो, चलो अब जल्दी चलते हैं आगे और गाइजर देखते हैं कि टीचर ने गाइजर कैसी पेंटिंग बनाई है, लेट्स गो। ये देखो, ये रहा पेंटिंग, और गाइजर चलो यहाँ पे पेंटिंग हटाते हैं। ओके, टीचर ने तो अपनी पेंटिंग बनाई है। ओके, इसने भाई अपनी पेंटिंग बनाई है। अब गाइजर मन तो कर रहा है इसकी पेंटिंग को खराब कर दूं, बट यार उससे ना टीचर की बर्बादी और बदनामी नहीं होगी, टीचर का मजाक नहीं बनेगा। हम लोग चाहते ना टीचर की बहुत ही गंदे तरीके से मजाक बनाए। तो लेट्स गो, देखते हैं कि भाई किचन में कुछ सामान है क्या। लेट्स गो, टीचर आ रही है क्या किचन में? नहीं नहीं नहीं, टीचर किचन में नहीं आ रही, उस तरफ जा रही है। गाइज एक काम करते ना, टीचर का पेंटिंग का पूरा चीज हुलवा ही बदल देते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ है कि नहीं है। लेट्स गो फ्रीज में, एक सेकेंड, ये क्या है? ये तो गाइजर यहाँ पे मीट है। एक काम करते हैं, इसे नया टंग लगा देते हैं, बहुत ही मजा आएगा टीचर के, भाई यहाँ पे कितना मजा आ जाएगा। इसे टंग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले गाइजर हम लोग को ना आंखों में भी कुछ चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ टंग लगाने से तो काम नहीं चलेगा, आंखों में भी तो कुछ चेंज करेंगे। तो लेट्स गो यार, एक काम करते हैं, यहाँ पे ना आग की जगह भाई डॉल का बटन लगा देते हैं, ठीक है। तो हमें गाइजर सबसे पहले यहाँ पे डॉल को ढूंढना पड़ेगा। तो चलो तो गाइजर सबसे पहले ऊपर चलते हैं, और ऊपर जाने के बाद कुछ देखते हैं कि हमें यार कुछ तो मिल जाए। लेट्स गो, चलो यहाँ पे चलते हैं और देखते कुछ है क्या। एक सेकेंड, ये देखो, ये रहा डॉल, ओके, और ये रहा कटर। तो क्या हम लोग कटर से डॉल का आग काट सकते हैं? लेट्स गो चेक करते हैं। ओ नो, नहीं यार, कटर से तो आग तो नहीं कटा, हमें गाइजर इसके लिए कैची लाना पड़ेगा। तो चलो तो गाइजर एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं और गाइजर यहाँ पे कैची का जुगाड़ करते हैं। अरे वो देखो, वो रही कैची, और ऊपर ही गाइजर यहाँ पे टीचर है। बच के रहना पड़ेगा दोस्तों, तो वरना टीचर ना हमें देख लेगी। टीचर गाइजर लगता है ऊपर ही आ रही है, ऊपर आ रही है क्या, तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ गाइजर ऊपर ही आ रही है, अब क्या करूँ, नीचे भागूँ कि ऊपर भागूँ? नीचे भाग लेता हूँ और जा करके छिप जाता हूँ, तो वरना दिक्कत हो जाएगा, टीचर ने अभी तक तो नहीं देखा मुझे। चलो बढ़िया है, अब गाइजर एक काम करते हैं, कैची ले लेते हैं यहाँ से, और गाइजर मुझे ना यहाँ पे ग्लू भी चाहिए। भाई यार आग को चिपकाऊंगा कैसे, उसके लिए तो ग्लू भी होना चाहिए। तो लगता है यहाँ पे जाना पड़ेगा। ओ नो, टीचर को समझ में आ गया। ओ नो गाइजर, मैं यहाँ पे कुछ हरकत कर रहा था, देखो। ओ नो, मेरा यहाँ पे प्रैंक ही फेल हो गया। गाइज लास्ट टाइम पता है क्या हुआ, मैंने गाइजर वहाँ पे जो डॉल था ना टेडी बियर, उसका गाइजर आग फाड़ा था ना, उसी वजह से टीचर को समझ में आ गया कि मैं गाइजर यहाँ पे कुछ प्रैंक करने वाला हूँ, तो टीचर ने गाइजर मुझे पकड़ लिया। बट गाइजर इस बार ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार सबसे पहले मैं ना यार सबसे पहले सामान को कलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद जाऊंगा कुछ भी करने के लिए, ठीक है। तो मैंने गाइजर स्टेपलर ले लिया है टीचर का टंग बनाने के लिए, और गाइजर वहाँ पे मुझे सीजर ले लेना है टीचर का आग को चेंज करने के लिए। तो ये देखो, हम लोग ने गाइजर यहाँ पे सीजर ले लिया है, ये देखो। अब गाइजर हमें यहाँ पे ना ग्लू भी चाहिए, तो चलते हैं यहाँ पे, टीवी रूम में तो नहीं था, स्टडी रूम में हो सकता है ग्लू। और गाइजर ये देखो, यहाँ पे एक बाहर ग्लू निकला हुआ है, अगर मैं इसमें हाथ रख दूंगा ना तो मेरा हाथ चिपक जाएगा। नहीं, मैं टीचर का सारा प्लान और सारा चला के जानता हूँ, तो मुझे गाइजर ये वाला ही ग्लू लेना होगा। तो चलो तो गाइजर, ओनो टीचर सामने है और चाय पी रही है, अब क्या करूं भाई, काम करता हूं, ये वाले रास्ते से जाता हूं और गाइजर उसके बाद डायरेक्ट किचन निकलता हूं। ओके, और गाइजर किचन से डायरेक्ट ऊपर चलता हूं,
भाई मुझे ना यार स्कैरी टीचर का सारा घर का रास्ता मालूम हो चुका है, इतनी बारी तो आ चुका हूँ। तो चलो तो गैजर इस तरफ चलता हूँ मैं। और गैजर अब मुझे यहाँ पे टीचर का ना टेडी बियर का आग काटना है। तो ये देखो हम लोग फाइनली यहाँ पे आग काट रहे हैं बिना यार यहाँ पे टेडी बियर को फाड़े हुए। तो चलो ये तो हो चुका है, अब गैजर बस मुझे नीचे जा करके टंग लेना है। और गैजर ये देखो टीचर ना यहाँ पे सो रही है, ये सही मौका है गैजर नीचे जा करके टंग ले लेने का। लेट्स गो, चलो चलो जल्दी चलो, टीचर को सोने देते हैं। ओनो यहाँ पे मैंने टंग ले लिया है, लेट्स गो। टीचर यहाँ पे आती होगी, उससे पहले यहाँ से भागो और गैजर टीचर का पेंटिंग का सत्यानाश कर दो। तो चलो हटाते हैं पेंटिंग और सबसे पहले ग्लू लगाते हैं आंखों में। हम लोग ने गैजर आंखों में ग्लू लगा दिया है। अब गैजर यहाँ पे हम लोग ने लगा दिया है आग को। अब गैजर यहाँ पे लगाते हैं टंग को और गैजर यहाँ पे स्टेपलर से इसे कर देते हैं फिक्स। अब गैजर देखो कैसा लग रहा है, और इसे ढक देते हैं। उससे पहले आप लोग देख लो टीचर का पेंटिंग कैसा लग रहा है। अब इसे ढक देते हैं और यहाँ से दूर चलते हैं। टीचर गैजर सारे के सारे पेंटिंग शो में अपना पेंटिंग ये दिखाएगी और टीचर का हो जाएगा पोपट और हम लोग कर लेंगे टीचर के साथ प्रैंक। कितना मजा आएगा दोस्तों। चलो चलो तो यार यहाँ से जल्दी से भाग लेता हूँ मैं। चलो चलो जल्दी भागो, पता ना चल जाए टीचर को कि मैं आया हूँ यहाँ पे टीचर के साथ प्रैंक करने के लिए। चलो घर से जल्दी बाहर चलो। फाइनली घर से बाहर आ चुके हैं दोस्तों। ओके तो गैजर ये देखो टीचर गैजर यहाँ पे पेंटिंग शो में सबको अपना पेंटिंग दिखा रही है। और गैजर ये क्या क्या पेंटिंग दिखाई टीचर, ये देखो सब लोग यार हंस रहे हैं यहाँ पे सब लोग हंस रहे। और टीचर का हो चुका है बहुत बड़ा प्रैंक। टीचर पेंटिंग को छुपाने की कोशिश की बट नहीं, और टीचर देखो क्या हाल हो चुका है टीचर का। मजा आ गया दोस्तों टीचर के साथ तो प्रैंक करने में, लेकिन गैजर अभी दिल नहीं भरा है, अभी और प्रैंक करेंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रैंक के ऊपर चलते हैं। ओके तो गैजर ये देखो टीचर तो यहाँ पे गेम खेल रही है, वो भी 8 ball pool दोस्तों, स्नूकर जिसको कहते हैं। और टीचर एक सेकंड, ये तो चीटिंग कर रही है दोस्तों, ये तो गलत बात है। मतलब एग्जाम में हम लोग चीटिंग करें तो वो नहीं, और ये गेम में चीटिंग करें तो भाई बढ़िया, ऐसा तो होने नहीं देंगे, टीचर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो तो गैजर यहाँ पे टीचर के साथ ना मस्ती करते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं सोचना पड़ेगा। एक सेकंड, ये क्या है, ये तो गैजर यहाँ पे सांप का सपेरा वाला डिब्बा है। ओके तो गैजर मेरा यार यहाँ पे दिमाग ये कह रहा है कि भाई यार टीचर जिससे गेम खेलती है 8 ball pool स्टिक को, उसे चेंज कर देते हैं भाई यार यहाँ पे सांप के सपेरे वाले में, मतलब कि सांप के साथ। तो गैजर मुझे सांप को पकड़ना पड़ेगा, उसके लिए ना मुझे गैजर यहाँ पे ना सबसे पहले वो सांप को पकड़ने के लिए एक धुन होती है ना वो चाहिए, बचाने वाला बांसुरी टाइप का, ठीक है। तो वो मुझे लाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे ना गैजर यहाँ पे म्यूजिक रूम जाना पड़ेगा। तो लेट्स गो, म्यूजिक रूम तो इस तरफ है। तो चलो जैसे कि सपेरा लोग सांप को कंट्रोल करते हैं ना, ऐसे ही मुझे भी यार सांप को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो चलो तो यार इस तरफ चलते हैं। और गैजर सांप को कंट्रोल करने के लिए मुझे गैजर यही चाहिए भाई, ये देखो सपेरा वाला धुन वाला, ये देखो भाई फाइनली मुझे मिल चुका है। अब गैजर मुझे नीचे उतरना है और गैजर यहाँ पे ना सांप को पकड़ने की कोशिश करनी है। तो चलो नीचे चलते हैं और गैजर सांप को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने टीचर के घर में आसपास सांप देखा था, तो बस हमें वहीं पे जाना है और गैजर सांप को पकड़ लेना है। ये देखो फाइनली गैजर यहाँ पे देखो सामने सांप है। सबसे पहले हमें गैजर यहाँ पे इसको रखना है और गैजर ये धुन से मतलब ये बांसुरी से सांप को बस पकड़ लेना है। और ये देखो हम लोग बांसुरी बजा रहे हैं और यार इतना बड़ा सांप यार आ चुका है ये यार डोरे में, मतलब कि गैजर ये देखो डिब्बे में। अब पता है हमें क्या करना है, अब गैजर हम यार ये सांप को ना फ्रीज करना है। हाँ आप लोग ने सही सुना, सांप को फ्रीज करना है। तो हमें सांप को जमाने के लिए ना वो फ्रीजिंग स्प्रे ढूंढना पड़ेगा। तो चलो तो गैजर फ्रीजिंग स्प्रे को ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं तो हमें वो मिल ही जाएगा। ओ नो, सामने टीचर आ गई मुझे पकड़ने के लिए। अरे भागो भाई भागो फ्रैंकलिन, जल्दी भागो वरना टीचर तुम्हें छोड़ेगी नहीं और सांप भी रख लेगी। भागो भागो, फाइनली जल्दी भाग गया मैं। ओ नो, टीचर आ गई दोस्तों हमें पकड़ने के लिए। टीचर हम लोग यहीं पे है, ये देखो। अब भाई यार टीचर को जाने देते हैं। चलो तो यार अब टीचर यहाँ पे नहीं है, इसका ये मतलब है कि हम लोग गैजर यहाँ पे सही सलामत जा सकते हैं। बट गैजर टीचर वहाँ पे टीवी देख रही है, तो हमें गैजर दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। चलो दूसरे रास्ते से फाइनली आ चुके हम लोग अंदर। अब गैजर यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा और गैजर हमें यहाँ पे किचन में जाना पड़ेगा इसे स्प्रे करने के लिए। तो चलो तो गैजर जल्दी से, और गैजर हमें यहाँ पे जल्दी जाना पड़ेगा बाथरूम में। और ये देखो यही है क्या, अरे हाँ गैजर यही स्प्रे है। तो लेट्स गो, ये स्प्रे को मारते हैं जल्दी से हम लोग गैजर ये सांप के ऊपर। ओके तो गैजर ये देखो हम लोग सांप के ऊपर ये स्प्रे को मार रहे हैं, जिससे यार ये सांप पूरा स्टिक की तरह हो जाएगा। अब गैजर इसे हम लोग बदल सकते हैं वो गेमिंग स्टिक के साथ। तो चलो तो गैजर गेमिंग रूम में चलते हैं, और गेमिंग रूम में गैजर यहाँ पे लगता है नीचे, तो हमें गैजर नीचे जाना पड़ेगा। चलो तो गैजर एक काम करते हैं, उन्होंने टीचर वहीं पे है,
तो हम एक गजर नीचे ना एक काम करते, सीरी की मदद से उतर करके नीचे चलते हैं। आ चुके हैं फाइनली नीचे, और गाइजर चलो आ जाओ, अब हम लोग यहाँ पे गेमिंग रूम में जाते हैं। और ये देखो ये रहा स्टिक, अब इसे यार रिप्लेस कर देते हैं। फाइनली गाइजर हम लोग ने रियल स्नेक से रिप्लेस कर दिया है भाई स्टिक को। अब गाइजर चलो यहाँ से जल्दी से भागते हैं, अब इंतजार करते टीचर को खेलने का। जैसे वो खेलेगी ना, और से गाइजर सांप जिंदा हो जाएगा और टीचर के ऊपर यार सांप दौड़ाने लगेगा और टीचर यार के साथ प्रैंक हो जाएगा, मजा ही आएगा दोस्तों। अब इंतजार करते हैं टीचर का। ये देखो टीचर यार यहाँ पे खेल रही है और सांप कहाँ गया, सांप जिंदा हो गया दोस्तों। अब गाइजर सांप टीचर को काटने वाला है, और यार यहाँ पे टीचर भाग रही है। ये देखो ओह नो भाई सांप ने टीचर के सिर में काट लिया। ओह नो गाइजर यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे टीचर भाग रही है और सांप यार टीचर को दौड़ा रहा है। मजा आ गया दोस्तों टीचर के साथ ये प्रैंक करके, तो सच में मजा आया। ओके तो यार ये देखो यहाँ पे ये स्कैरी टीचर का भाई यार बॉयफ्रेंड है, मतलब ये भी टीचर है। और एक सेकंड ये क्या, ये किसी को पपेट की तरह नचा रहा है। ओ नो ये तो गलत बात है, और टीचर यार देख के हंस रही है, मतलब देख रहे हो ना दोस्तों टीचर यार बहुत बुरी है। ये सब चीज करने पर टीचर को बहुत मजा आता है, क्यों ना गाइजर हम लोग भी टीचर को इसी तरह नचाएं। तो लेट्स गो गाइजर, चलो यहाँ पे टीचर को हिप्नोटाइज करके इसी तरह नचाते हैं। तो सबसे पहले हमें गाइजर यहाँ पे ना दो तीन चीज सामान कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले चलो एक काम करते हैं, मेरे दिमाग में जो प्लान है मैं आप सभी लोग करके दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे सुपर ग्लू को रख लेता हूँ मैं, उसके बाद हमें गाइजर यहाँ पे ऊपर जाना है। तो लेट्स गो, चलो सबसे पहले ऊपर चलते हैं। और हम लोग आ चुके हैं ऊपर, और गाइजर ऊपर आने के बाद ना हम लोग को यहाँ पे एक कैसेट लेना है। ये देखो दो म्यूजिक कैसेट है, एक है हिप्नोटाइज का, एक है गाइजर ट्रांसर का। इसमें यार ये वाला कैसेट नहीं लेना है, हम लोग को हिप्नोटाइज करना है, तो हम लोग को हिप्नोटाइज वाला कैसेट लेना है। अगर ये लेंगे तो काम नहीं होगा, ठीक है दोस्तों समझ गए ना। अब गाइजर चलो दूसरी तरफ चलते हैं, और इस तरफ आते हैं, यहाँ पे टॉर्चर रूम है, यहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे गाइजर हमें बहुत सामान मिलने वाला है, जैसे कि यहाँ पे स्टिक मिल गया, और गाइजर यहाँ पे हमें ये देखो ये धागा भी मिल चुका है। अब हुआ ना काम की बात। अब गाइजर चलो, अब गाइजर चलते हैं हम लोग नीचे, और गाइजर टीचर के साथ अब करते हैं प्रैंक, क्योंकि अब जो प्रैंक हम लोग करने वाले ना टीचर होगा गाइजर जिंदगी भर याद रहेगा, और टीचर के बॉयफ्रेंड, हाँ भाई टीचर में जो स्कूल में पढ़ाते थे उसके बॉयफ्रेंड, उनसे भी याद रहेगा। तो चलो तो गाइजर यहाँ पे अब टीचर के साथ हिप्नोटाइज खेलेंगे। लेट्स गो, हमें गाइजर यहाँ पे वॉल में चिपका देना है, लेट्स गो, और ग्लू से भाई यहाँ पे ना चिपका देना है ये वुड को। ओके लेट्स गो, यहाँ पे चिपका दिया है मैंने वुड को। अब गाइजर हमें यार यहाँ पे ना धागा लगा देना है, और धागा लगा दिया। अब गाइजर हिप्नोटाइज वाला सीट यहाँ पे लगा देना है, ये देखो, और गाइजर यहाँ से अब भाग लेना है। अब देखो यार टीचर के साथ होता है क्या, टीचर गाइजर हिप्नोटाइज होके नाचने लगेगी। चलो यार इंतजार करते टीचर के आने का, चलो यार जल्दी चलो, अब आने वाला है बहुत ही मजा। अब देखते टीचर के साथ क्या होता है। ये देखो गाइजर टीचर गई, और गाइजर टीचर डांस करने लगी, क्योंकि टीचर हो चुके हैं हिप्नोटाइज। ओह नो टीचर तो बहुत ही गंदे तरीके से डांस कर रही है भाई, हाथ देखो, और टीचर का बॉयफ्रेंड भाई टीचर, भाई दोनों ये गाइजर डांस कर रहे हैं। तो यार आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग गाइजर ये दोनों कैसे लगे, हमें तो यार बहुत ही मजा है प्रैंक करके। अब टीचर को भी समझ में आ गया कि हमें फेल नहीं करना चाहिए। क्यों दोस्तों प्रैंक में मजा आ गया ना, और टीचर कैसा लगा प्रैंक करके, मजा आया हम लोग का प्रैंक अच्छा लगा। अब बताइए हम लोग को और फेल करिएगा तो हम लोग पूरे साल ऐसे ही आप लोगों के साथ प्रैंक करते रहेंगे टीचर के साथ। दोस्तों अब टीचर एक साल और हमें पढ़ाएगी, तो हम लोग एक साल तक टीचर के साथ रोजाना प्रैंक करेंगे, कितना मजा आएगा। अरे हटो, मैं कौन तुम सारे गंदे बच्चे लोग को एक साल और पढ़ाऊंगी, तुम सब लोग पास होते हो, जाओ दूसरे क्लास में दूसरे टीचरों को परेशान करो, मुझे नहीं। बाप रे बाप दोस्तों ये लोग तो मुझे बहुत परेशान करते हैं, प्रैंक में प्रैंक करते हैं, मुझे इन सारे बदमाश बच्चे लोग को नहीं पढ़ाना है, निकल जाओ मेरी क्लास से, तुम सब लोग पास होते हो समझे, मैं जा रही हूँ। सो गाइजर यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट मतलब अवेंजर्स लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि गाइजर मैंने मिल करके भाई यहाँ पे यार टीचर के साथ प्रैंक किया, टीचर को सबक सिखाया, जिससे गाइजर टीचर का दिमाग ठिकाने में आया, और गाइजर साथ ही साथ टीचर ने हम सबको पास कर दिया है और दूसरे क्लास में जाने की परमिशन दे दी है। तो गाइजर हम लोग का तो रिजल्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छा हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग का रिजल्ट कैसा आया है। और अगर आप चाहते स्कैरी टीचर का हम लोग और भी पार्ट लेकर के आए, तो नीचे कमेंट करके जल्दी से पार्ट टू या फिर नेक्स्ट पार्ट लिख देना, हम लोग जल्दी से लेकर के आएंगे। और अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से एक ही गेम वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग 2 मिलियन सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा नजदीक हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ओके ओके तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, एंड यार सारे के सारे बच्चों लोग का खुशी देख लो, क्योंकि सब लोग पास हो चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं पार्टी करने के लिए, आप लोग भी जाओ हम लोग की तरफ से पार्टी कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।